यही की मीन्स उनको जल्दी से जल्दी बाहर आए ताकि हमारे जो कंट्री है उसको बढ़िया इन्वायरमेंट मिले एक टाइप का, या फिर कह सकते हैं कि उसको अच्छा या सुधार करने का मौका मिलेगा अगर वो जल्दी से जल्दी आ पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। डेरा सच्चा सौदा विद सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा के बारे में बात कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और सवाल करते हैं कि आज लोगों का गुरुजी के बारे में क्या मानना है, क्या कहना है। क्या नाम है आपका? अफसान। अफसाना, कौन सी क्लास में स्टडी करते हो अभी? आई एम डीएलएड सेकेंड ईयर फ्रॉम शास्त्री रामजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। ओके, आप डेरा सच्चा सौदा के कॉलेज में स्टडी कर रहे हो? यस। आपको जो डेरा सच्चा सौदा का सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जिंसा का कॉलेज स्कूल है, उसका इन्वायरमेंट कैसा लगता है? बहुत बढ़िया है। मीन्स अपने को बीइंग अ गर्ल, फुल सिक्योरिटी और कोऑपरेटिव स्टाफ मेंबर्स ऑल, सब चीज़ें हैं, मतलब जैसा एक स्टूडेंट को चाहिए सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है हमें। मतलब जो हमारा कॉलेज है वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, फुल सेफ्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मीन्स आपको कुछ प्रॉब्लम भी है तो आप प्रिंसिपल से या किसी भी चीज़ से आप बात करके वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्ट आउट कर देते हैं। बिल्कुल। तो आप गुरुजी को जानते हो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा को? कभी उनसे मिले हो या कभी आसपास कभी उनका सत्संग सुना है आपने? हाँ जी, हाँ जी। कैसा लगता है आपको उनका नेचर? बहुत बढ़िया। आपको उनके ऊपर बिलीव कैसा है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी बातें उनके बारे में फैलाई गई थी, उसके बारे में क्या कहोगे फिर आप? वो अगर देखे अपा बातों की तो मीडिया तो अपा देख ही रहे हैं कि वो कैसी न्यूज़ फेक न्यूज़ बना रहे हैं मीडिया वाले, लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है, मेरे को इतना टाइम हो गया, मैंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा जो वो बोल रहे हैं मीडिया वाले, कुछ भी है। मीन्स उनका जो भी बोला हुआ है वो मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ रॉन्ग है, बिकॉज मेरे को इतना टाइम हो गया भी, अपने को अगर कुछ होता तो अपने को कुछ ना कुछ तो मिलता ही ना, पता चलता ही, ऐसा कुछ भी नहीं है डेरे के अंदर। मैं तो कहती हूँ लोगों से कि वो विज़िट करें एक बार, आके देखें खुद जो बोल रहे हैं। कितने टाइम से आप डेरा सच्चा सौदा में जा रहे हो? मैं 18 ईयर्स की हूँ, तब से स्टार्टिंग से ही। तो कभी आपने ऐसा अनसेफ फील किया हो आसपास वहाँ पर? कभी भी नहीं। आपका क्यों आज भी इतना फेथ है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह? मीन्स सही रास्ता बताया हमें, मीन्स सारा कुछ ही है, कोई है, मतलब इक्वालिटी रखी है, जेंडर इक्वालिटी लगा लो, कुछ भी हर चीज़ के अंदर। मीन्स आज भी हमारे इंडिया में मतलब लोगों की जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, बल्कि इतना कुछ होने के बावजूद भी मतलब उन्होंने हमें ऐसा रास्ता दिखाया है, मेरे पेरेंट्स को भी या किसी को भी, मीन्स एक फॉरवर्ड लेके आए हैं वो हमें, एज़ कंपैरिजन बॉयज़ या गर्ल्स के कुछ भी लगा लो तो उसकी इक्वालिटी लेके आए हैं वो सबके बीच में जी। और कंट्री के लिए कैसा कंट्रीब्यूशन है गुरु जी? कंट्री के लिए सब कुछ ही है, जैसे हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम जो है वो सरकार ने बाद में स्टार्ट किया है, पहले गुरुजी ने स्टार्ट किया है, इससे पहले भी, या फिर जो कोई नशा वाला है वो भी सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया है, या फिर सफाई अभियान है इस तरीके के। हमारा देश जो सफाई के अंदर, तो हमारा देश बहुत ही पिछड़ा हुआ है, तो अब दूसरी कंट्रियों के मुकाबले अब हमारा देश कुछ ना कुछ बढ़ रहा है हर चीज़ में। इसलिए कितने पब्लिक का मतलब ड्रग्स से, ड्रग एडिक्शन को दूर किया है गुरुजी ने? अभी तक तो जैसे 6 करोड़ जो लोग हैं वो उनसे जुड़े हुए हैं, मींस उनमें से कोई भी ड्रग नहीं लेता है, और अभी भी वहाँ पे डेरे के अंदर भी है, अभी अगर कोई छोड़ना चाहता है वो नहीं छोड़ सकता, तो वो डेरे आके रहे 7 दिन, जो वो करते हैं वो करवाए और वो नशा छोड़ सकता है, वो अगर कोई एडिक्टेड है नशे के, तो वो डिपेंड है बंदे के ऊपर, खुद आए डेरे के अंदर चल के वो छोड़ो, या फिर आज हमारे लोग भी हैं जो उनको लेके जाते हैं अभी अगर कोई छोड़ना चाहता है तो। वहाँ के बारे में काफ़ी अलग न्यूज़ भी दिखाई गई थी, बिल्कुल पब्लिक चैनल्स पे आई थी भी, वहाँ पर नर्क कंकाल मिले हैं, ऐसा कुछ था? आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ भी नहीं था, हाँ बल्कि हो सकता है, बिकॉज जो हमारे कोई जिसकी कोई एक्सपायर हो जाता है उसके वहाँ पे उसके वो लेके बीज उगाए जाते हैं ताकि अच्छी वो हो, तो ये हो सकता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब जो लोग सोच रहे हैं अभी वहाँ पर कंकाल मिले या कुछ, बिकॉज वहाँ का माहौल आप जाओगे तो ही आपको पता चलेगा कि वहाँ है क्या क्या नहीं है वहाँ पे। और इतने एलिगेशन जो उनके ऊपर लगे हुए हैं वो सब झूठ है, बिकॉज हम इतने टाइम से जा रहे हैं, हमें आज तक ऐसा कुछ लगा ही नहीं जो उनको लग रहा है।
पब्लिक को क्या अवेयर करोगे, क्योंकि पब्लिक ने जितना भी कुछ जाना है, जितना भी उनको चैनल्स के माध्यम से उनको देखने को मिला, वो लोग घर पे बैठे जो बोल रहे हैं या मीडिया के जरिए जो उनको न्यूज़ मिल रही है उनसे वो देख रहे हैं। मैं चाहूँगी कि वो एक बार जाएं, खुद विज़िट करें, अपना मतलब एक्सपीरियंस बताएं उनको क्या लगता है वहाँ पे जाके। तो बस यही कहना चाहूँगी कि एक बार विज़िट करके देखें। और 3 सालों में, 3 साल का ड्यूरेशन हो चुका है, अब गुरुजी सोसाइटी के बीच में नहीं है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटी के ऊपर? सोसाइटी में इम्पैक्ट तो पड़ा ही है, जो नहीं है वैसे अब भी मतलब लोग तो यही मानते हैं उनके जो भी दिशा निर्देश है या कुछ भी उन्होंने जो दिए हैं उन पे चल रहे हैं लोग। लेकिन फिर भी इसके से मीन्स कुछ लोग हैं जो ड्रग्स को छोड़ गए थे वो फिर से अपनाने लग गए, ड्यू टू उनका जो विश्वास है वो कम हो चुका है, वो लोग ऐसे ही मतलब भटक रहे हैं। या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो मुहिम थी वो भी फेल हो रही है, अभी भी मतलब लोगों के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं भी, हम देख रहे हैं डेली कोई ना कोई मीन्स ऐसा केस आता रहता है हमारे बीच में, अगर वो होते तो ऐसा कुछ ना होता। क्या आज सोसाइटी को नीड है गुरुजी की? बहुत ज़्यादा।